अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूवर्स, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 19/9/2022 KPPSC के थ्रू पेपर हुआ वो साल उठ करके आप लोगों के लिए लेके आए। व्यूवर्स, अगर किसी MCQs में आप लोगों को 100% डाउट हो तो काइंडली कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर करें ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट कर लें। व्यूवर्स, पेपर थोड़ा सा ब्लरीड है, उसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 1। Most abundant substance found in cell is protein. Option C इसमें correct option है। Question number 2. The portion of cytoplasm which is formed by dissolved biological molecule is viewers। Question number 2 में correct option है option D। इसको कहते हैं cytosol। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3। इन अ सिंगल प्रोटीन मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ एम्यूनो एसिड इज व्यूअर्स 70 to 2000। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4। द वेरिएशन इन स्पीशीज इज ड्यू टू मियोसिस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5। Human and other large animal made up how many types of tissues? Viewers, option B 4 tissues ही बने हुए थे। Question number 6 की तरफ बढ़ते। Question number 6 हमारे पास है। The cell wall of capsule of bacteria made up option C इसमें correct CHO plus pets plus immune acid। option C। Question number 7. Most common infection of virus is flu। option C question number 7 में correct option है। Question number 8. The enzymes found in blue algae for nitrogen fixation is nitrogenesis। option C इसमें correct option है nitrogenesis। Question number 9. The endophytic fungi found in bryophyte is belong to question number 9 में correct option है option D none of them option D। Question number 10 हमारे पास है। In which of the following have both animal and plant like mode of modification? व्यूवर्स ये क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी यूग्लेनिया में इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम फूड इज अ फॉर्म ऑफ फूड इंडस्ट्री? क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी बेसिडियोमाइकोट्स। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12। मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 12 में करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ऑप्शन ए। Question number 13. Most of the antibodies developed from fungi due to option A और option B। ये दोनों correct option है। Option C इसमें correct option है both of them। Question number 13 अगर आप लोगों को clear नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि ये दोनों words ये है monocreatic and dicreatic। ये दोनों correct option है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। द टालेस्ट जिम्नोस्पर्म ऑफ द वर्ल्ड इज ये यहाँ पे आप लोगों को अगर क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो मैं ये सॉल्व कर चुका हूँ। सेक्वोया सेम्परवीरेन इसको कहते हैं सेक्वोया सेम्परवीरेन। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूवर्स ये देखो ये द टालेस्ट जिम्नोस्पर्म इन द वर्ल्ड इज हाइफ्रीन सेक्वोया सेम्परवीरेन्स। ऑप्शन ए। पेपर में इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है, सिक्वोया सेम्परवीन्स। क्वेश्चन नंबर 15, द कॉमन फैमिली ऑफ खेफी इज, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूवर्स ये अगर आप लोगों को क्लियर नहीं है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँगा, ये आप लोग देख सकते हो, स्ट्रेकिया फैमिली इसको कहती है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूवर्स पेपर थोड़ा सा ब्लरीड है, उसको रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, द मशरूम्स इज नेचुरल प्रोडक्ट फॉर एक्सपोर्ट बिलोंग टू विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, ये केपीसी बिलोंग कर लेते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, द स्पायरोफाइट ऑफ मूज एंड ब्रायोफाइट परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शंस विच इज फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, द पीरियड ऑफ फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म, मेरे ख्याल में जिम्नोस्पर्म ही है क्योंकि पेपर सही नज़र नहीं आ रहा। व्यूवर्स ये 14 से 15 महीने तक होते हैं, 15 मंथ। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लावर कैन बी डिफाइन एज इट इज़ मॉडिफाइड, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूवर्स क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, ये भी थोड़ा सा सही नज़र नहीं आ रहा लेकिन रीड आउट करने की कोशिश करेंगे। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बॉडी केविटी इन एनिमल्स, ये केविटी का सिनोनिम्स है। व्यूअर्स क्वेश्चन नंबर 20 में करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें मेरे ख्याल में करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 में सी, जो 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूवर्स 21 और 22 बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, इसलिए माजरत। व्यूवर्स काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट भी जल्द अपलोड कर लेते हैं। शुक्रिया।